Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rudy College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the concept of value education, in which I have already discussed the definitions, meaning, characteristics and types of values, meaning of value education and its need. I have already discussed with you all the human rights education, and this time I am going to discuss the last topic of this unit, that is education for peace. Okay, shanti ke liye shiksha. To dekhte hain kya hai ye education for peace. Education for peace is different from peace education. Dekhiye sabse khas baat, generally hum agar students agar padh kar nahi jayenge to unko lagega ki education for peace ka matlab hai ki zarur ye shanti shiksha, wo shiksha jo shanti pradan kare, aisa waisa matlab hai, lekin ye thoda bahut superficial, lekin ye shanti shiksha nahi hai balki shanti ke liye shiksha hai. Education for peace is education for life, जीवन के लिए शिक्षा है, and not merely training for a livelihood. मतलब सिर्फ आपको आजीविका के लिए प्रशिक्षण देना शिक्षा नहीं है, बल्कि जीवन कैसे जीना है ये बताना. Equipping individuals with the values, skills and attitudes they need to be wholesome persons who live in harmony with others and as responsible citizens is the goal of education for peace. यानी कि शांति के लिए शिक्षा का उद्देश्य है, का लक्ष्य है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम इक्विप कर सकें, उनको सुसाध्य कर सकें, किससे? मूल्यों से, कौशलों से, अभिवृत्तियों से, ताकि वो एक संपूर्ण व्यक्ति बने, एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण माहौल में रहें और जिम्मेदार नागरिक बने. हिस्टोरिकली मॉरल एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन वर द प्रिकर्सर्स ऑफ एजुकेशन फॉर पीस. ऐतिहासिक रूप से नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा में ये बातें की जाती रही हैं, जो एजुकेशन फॉर पीस में जो आता है. दे शेयर मच इन कॉमन, बहुत कुछ उनमें कॉमन है. रिलीजन अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2000 इज अ सोर्स ऑफ वैल्यू जनरेशन. यानी एनसीएफएसई ने 2000 के अपने डॉक्यूमेंट में कहा कि जो धर्म है वो मूल्य को जनरेट करता है, मतलब मूल्यों को उत्पन्न करने का स्रोत है, और वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द कल्चर ऑफ पीस. और जो शांति की संस्कृति है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब उसको निर्माणकारी, उसके निर्माणकारी कॉम्पोनेंट क्या है, यही है आपके मूल्य और आपके एटीट्यूड्स. किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, बिहेवियर के लिए, कंसेप्ट के लिए कैसा एटीट्यूड आपके अंदर है. एजुकेशन फॉर पीस कॉल्स फॉर ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन, नॉट एन इंक्रीज इन करिकुलम लोड. मतलब लोगों को लगे कि अब लोग एक अलग चीज पढ़नी पड़ेगी एजुकेशन फॉर पीस, एक वैसे ही इतना करिकुलम नहीं, ये आपके करिकुलम को लोड को बढ़ा नहीं रहा है, बल्कि करिकुलम के लोड को कम कर रहा है, इसका ये उद्देश्य है. पीस एम्बॉडीज द जॉय ऑफ लिविंग, यानी कि जीवन जीने में आनंद आने लगे, वो है पीस, वो है शांति. लर्निंग फ्रॉम द पीस पर्सपेक्टिव हैज टू बी ए जॉयफुल एक्सपीरियंस. अगर हम शांति के परिप्रेक्ष्य से आपको सिखाएंगे, आप सीखेंगे, तो वो एक आनंददायक अनुभव होगा. एजुकेशन फॉर पीस कॉल्स फॉर ए लिबरेशन ऑफ लर्निंग फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ द क्लासरूम एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ सेलिब्रेशन ऑफ अवेयरनेस इन लिविंग विद द डिलाइट ऑफ डिस्कवरी. मतलब जब हम शांति के लिए शिक्षा की बात करेंगे तो मतलब एक आपको उन्मुक्तता लगेगी, या आपको लगेगा एक मुक्ति मिल गई है, एक लर्निंग. क्लासरूम के कन्फाइनमेंट में मत रहिए, बाहर निकलिए, जागरूकता की बात है, कुछ अपने आप खोज रहे हैं. एजुकेशन फॉर पीस कंटेक्चुअलाइजेस लर्निंग. वी लिव इन एन एज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस. वो कह रहे हैं कि हमें ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे वायलेंस ही वायलेंस है, हिंसा ही हिंसा है, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, आप उसको पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, अनुमानित है वो. कौन मतलब लोकल लेवल पे हो सकती है, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, देख ही रहे हैं आपके युद्ध चल रहे हैं, मतलब लोकल, राष्ट्रीय स्तर पे, स्थानीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और वैश्विक स्तर पे. इट इज अ सीरियस मैटर. ये एक बहुत दुख का विषय है, बहुत आप मतलब आप कह सकते हैं गंभीर विषय है कि स्कूल्स, जो कि विद्यालय हैं, जो कि नर्सरीज ऑफ पीस होने चाहिए थे, मतलब वहां पे शांति की पौध उगनी चाहिए थी, वो वॉयलेंस के पॉइंट्स हो गए हैं. स्कूली बच्चे के हाथ में स्टेन गन होती है, वो खून कर देता है, सब हो जाता है. एजुकेशन फॉर पीस सीक्स टू नर्चर द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज दैट कंप्राइज द कल्चर ऑफ पीस. ये हो गया. इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी टू नर्चर पीस peaceful persons who resolve conflicts non-violently. मतलब ये एक proactive strategy है, मतलब आप पहले से active होके इस तरह से strategy बनाकर पढ़ाएं कि हम ऐसे व्यक्तियों का निर्माण कर सकें, ऐसे citizens, ऐसे students का निर्माण कर सकें जो
अहिंसक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का जिनमें मादा हो। एजुकेशन फॉर पीस इज होलिस्टिक, ये एक संपूर्णता का परिप्रेक्ष्य है। इट एम्ब्रेसेस द फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन विद इन ए फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। मतलब ये बात करता है, अपने में समाहित करता है कि शारीरिक, सांवेगिक, बौद्धिक और सामाजिक वृद्धि हो बच्चे की, चिल्ड्रन की, स्टूडेंट की, विद इन ए फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। और इसका ताना बाना मनुष्य के मानवीय मूल्यों के इर्द गिर्द होना जाएगा। फिर एजुकेशन फॉर पीस हैंस एज ए टू फोल्ड पर्पस, इसका मतलब शांति के लिए शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो इसके द्विमुखी उद्देश्य हैं। कौन कौन से? टू एम्पावर इंडिविजुअल्स टू चूज द पाथ ऑफ पीस रादर देन द पाथ ऑफ वायलेंस। यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति हैं, जो आपका विद्यार्थी है, आप उसको इतनी शक्ति दें, उसको सुदृढ़ीकरण करें उसका, कि वो शांति के मार्ग को चुन सके हिंसा के मार्ग की बजाय। और दूसरा, टू इनेबल देम टू बी पीस मेकर्स रादर देन द कंज्यूमर्स ऑफ पीस, और वो शांति का निर्माण करें, ना कि शांति को खर्चा करें। मतलब शांति को खर्च ना करके शांति के निर्माण, शांति के उत्पादक के रूप में आप उनको योग्य बनाएं। एजुकेशन फॉर पीस इज इन दिस सेंस एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ होलिस्टिक बेसिक एजुकेशन दैट एम्स एट द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। इट्स ऑब्वियस, इट इज इजी। फिर पीस इज ऑफन इक्वेटेड विद द एब्सेंस ऑफ वायलेंस। पीस की बात होगी तो अहिंसा की बात होगी, पीस की बात होगी तो गांधी जी की बात होगी, कि कई बार शांति को अहिंसा के समकक्ष मानते हैं। गांधी जी के हिसाब से एक्सप्लॉयटेशन वाज द मोस्ट फेमिलियर एंड प्रैक्टिकल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, फॉर्म ऑफ वायलेंस ऑन एन इंडिविजुअल बाय द स्टेट, अ ग्रुप, अनदर इंडिविजुअल और बाय मशीन्स, ऑन विमेन बाय मेन एंड ऑन वन नेशन बाय अनदर। गांधी जी ने कहा था कि शोषण का सबसे फेमिलियर और प्रैक्टिकल फॉर्म वायलेंस का यही है कि राज्य इंडिविजुअल पे करे, कोई ग्रुप एक इंडिविजुअल पर करे, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल का शोषण करे, मशीन शोषण करे, आदमी है, पुरुष है, महिलाओं का शोषण करे, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण करने का मतलब दूसरे का मतलब, ये शोषण का प्रतीक है कि आप वायलेंस कर रहे हैं। पीस मैंडेट्स द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूज सच एज लव, ट्रुथ, जस्टिस, इक्वालिटी, टॉलरेंस, हार्मनी, ह्यूमिनिटी, टुगेदरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। ये सारी वैल्यूज की बात की गई है कि पीस मैंडेट्स, मतलब अगर आप शांति की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इन मूल्यों का अभ्यास करना होगा, स्नेह, सत्य, न्याय, समता, सहिष्णुता, सामंजस्य और सभी जितने भी आगे दे रखे। फिर कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे एजुकेशन फॉर पीस के लिए। क्या क्या? जैसे कि यूनेस्को ने 2000 से 2010 का जो 10 वर्षीय कार्यक्रम था, कार्यकाल था, उसको इंटरनेशनल डिकेड फॉर प्रमोशन ऑफ ए कल्चर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मनाया है। यानी कि इन 10 सालों में यही काम हुआ कि कैसे आप पीस के कल्चर को, मतलब संस्कृति, शांति की संस्कृति को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे अहिंसा बच्चों में फैलाई जाए। द लास्ट 5 डिकेड्स हैव विटनेस सेवरल सिग्निफिकेंट एडवोकेसीज फॉर एजुकेशन फॉर पीस। यूनेस्को ने और कहा, रिकमेंडेशन दी उसने कि एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। देखिए, तभी हम लोग को हमारे कोर्स में पढ़ाया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संप्रभु, अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, मानवाधिकारों की शिक्षा, इन सारी बातें की जाती है ना। एंड यूनेस्को 1994 एक्शन प्लान फॉर एजुकेशन फॉर पीस, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी इंडोर्स बाई 144 कंट्रीज। यानी 144 देशों ने 1994 में जिन्होंने एक्शन प्लान बनाया उस पर साइन किया। और ASP नेट वॉज लॉन्च बाई यूनेस्को इन 1953 टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। यूनेस्को ने 1993 में लॉन्च किया ASP.NET, इसलिए इसलिए कि अंतरराष्ट्रीय समझ और शांति को प्रमोट किया जा सके। भारतवर्ष में भी बहुत काम हुए, जैसे कि गांधीयन आइडियल्स ऑफ आइडियाज ऑफ पीस, गांधी पीस फाउंडेशन, गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति, गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज एंड जयपुर पीस फाउंडेशन, इन सबों ने, मतलब इन सभी ने भी गांधीयन लीगेसी थी, जो उनकी नॉन वायलेंट की लीगेसी थी, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। फिर हम पॉलिसी पर्सपेक्टिव देखें, मतलब इतनी सारी पॉलिसीज अब तो आपको याद हो जानी चाहिए, इतनी पॉलिसीज मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, उन सब ने भी पीस की बात की है। जैसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कहा कि इट इज अ सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इन द थिंकिंग ऑन मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन। यानी इसने नैतिक और धार्मिक शिक्षा की बात की है। उसने कहा है कि इट आइडेंटिफाइड कैरेक्टर बिल्डिंग इज इन डिफाइनिंग गोल ऑफ एजुकेशन। यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए, और उसमें और भी बातें हैं। फिर उसी तरह से कोठारी कमीशन ने 1964-66 में कहा, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के नाम से उसकी वो हेडिंग है उस इस पूरी पॉलिसी की, उन्होंने कहा एब्सेंस ऑफ प्रोविजन फॉर एजुकेशन इन सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। उन्होंने कहा जो शिक्षा दी जा रही है वो सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का उसमें कमी है, और ये सीरियस डिफेक्ट है करिकुलम में, और इसको आपको पूरा करना चाहिए।
उसी तरह से 1986 की नीति कहती है द इरोजन ऑफ एसेंशियल वैल्यूज एंड एन इंक्रीजिंग सिनिसिज्म इन सोसाइटी। वो कह रहे हैं कि समाज में घृणा बढ़ रही है, मतलब सनकपन बढ़ रहा है, और जो ये इरोजन ऑफ एसेंशियल वैल्यूज जो मूलभूत मूल्य हैं उनका ह्रास हो रहा है, तो उनके लिए काम किया जाए। उसी तरह से प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 ने भी यही कहा, यही बात एनसीएफएसई 2000 भी कह रहा है कि इरोजन ऑफ द एसेंशियल सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड इंक्रीज इन सिनिसिज्म एट ऑल लेवल्स। तो हमको इसको फुलफिल करने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि एक्टिविटीज फॉर एजुकेशन फॉर पीस, हम कैसे मतलब शांति के लिए शिक्षा के लिए क्या करें, इसको विद्यालयों में क्या करें कि इसको हम पूरा कर सकें, तो कई एक्टिविटीज या को करिकुलर एक्टिविटीज के तहत आप इसको पूरा कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स कैन बी मोटिवेटेड टू लर्न एंड डेवलप स्किल्स फॉर पीस मेकिंग बाई इंक्लूडिंग पीस इश्यूज इन डिबेट सेमिनार्स एंड ऑडियो विजुअल शोज। हम उनसे डिबेट करा सकते हैं, सेमिनार करा सकते हैं शांति के लिए, उसके पक्ष विपक्ष में बात कराइए, पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन रोल प्ले ड्रामा, वो पीस के लिए पोएम लिखें, सॉन्ग लिखें, रोल प्ले करें। बहुत सारे दिन हैं जो आप मना सकते हैं, जैसे मानवाधिकारों का दिवस, बाल दिवस, यूएन डे, डे फॉर द डिसेबल्ड, गर्ल चाइल्ड डे, एनवायरमेंट डे, ये सारे दिन विशेष दिनों के जब आप सेलिब्रेशन करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पीस की बात आएगी, नॉन वायलेंस की बात आएगी, इक्वालिटी की बात आएगी। टू हेल्प डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स, आप इस तरह के दिनों को जब मनाते हैं तो दूसरों के प्रति सेंसिटिविटी डेवलप होती है, डिसएडवांटेज के अगेंस्ट और सब। रिलीजियस फेस्टिवल्स बनाइए, नेशनल डेज बनाइए, स्टोरी टेलिंग सेशंस करिए, अनुभूति करानी है ना, तो आप इफेक्शन जो इफेक्टिव पार्ट है शिक्षा का, कॉग्निटिव इफेक्टिव और साइकोमोटर, तो जो इफेक्टिव डायमेंशन है, इफेक्टिव डोमेन है, उसको आप स्टोरी टेलिंग से भी परिपूर्ण कर सकते हैं। और अगर आप कंक्लूड करना चाहें तो जो पीस स्किल्स है या पीस एजुकेशन है वो एकेडमिक एक्सीलेंस को प्रमोट करती है। क्यों? क्योंकि आप में कोऑपरेशन बढ़ता है, आप में कंसंट्रेशन बढ़ती है, आपके माइंड में प्योरिटी होती है, आप में विलिंगनेस आता है, आप में पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, और ये सभी एक अच्छे विद्यार्थी के गुण है। उसी तरह से एजुकेशन फॉर पीस कैन ह्यूमनाइज एजुकेशन, मतलब शिक्षा का मानवीकरण हो सकता है अगर आप शांति के लिए शिक्षा की बात करें। तो इट इज ऑल अबाउट एजुकेशन फॉर पीस एंड इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द ऑफ योर यूनिट वैल्यू एजुकेशन एंड आई हैव कंप्लीटेड दिस वन टू सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।